हेलो डियर, ईवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में जो डीओपीटी है उन्होंने एक नोटिस निकाला है। किस चीज़ के रिगार्डिंग निकाला है? जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि जैसे एसएससी एग्ज़ाम हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स हैं, जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे एग्ज़ाम बंद होकर उनकी जगह पर एक एग्ज़ाम हुआ करेगा। तो उस नोटिस के बारे में मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है? और इसके बारे में भी थोड़ी सी जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके जानने के लिए, वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपको फिर कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को लेकर, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड ऐप का लिंक होगा, जो ईवन कोचिंग सेंटर की ऐप है। जितने भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऐप के थ्रू। फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, करंट अफेयर्स भी हैं। मेरे करंट अफेयर की वीडियो भी आएगी कल, ठीक है? तो ये सब आप वहां से एसेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उस ऐप को डाउनलोड करिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो एवरीथिंग अबाउट सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विच यू नीड टू नो। मैंने कुछ जरूरी बातें यहां पर लिख ली हैं, ये सब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो है क्या, एक नोटिस आया है डीओपीटी की तरफ से। तो उस नोटिस के अंदर लिखा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उस नोटिस के अंदर ये लिखा है कि भाई हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग टीयर 1 एग्जाम्स देते हैं। टीयर 1 एग्जाम्स का क्या मतलब है? स्टेज 1 के एग्जाम्स, स्टेज 1 या प्री मेंस, ऐसे करके भी स्टूडेंट जो है इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो टीयर 1 का एग्जाम है, हर एक साल 2.5 करोड़ लोग देते हैं। कौन कौन सा टीयर 1 का एग्जाम? जैसे कि अलग अलग, जैसे कि एसएससी का, एसएससी के कई सारे एग्जाम्स हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, देन रेलवे के एग्जाम्स, देन आईबीपीएस के, बैंकिंग के एग्जाम्स, या अलग अलग और बहुत सारे एग्जाम्स। और टोटल यहां पर जो वैकेंसीज होती हैं, जो हर साल इतने देते हैं, मोटा मोटी वो बता रहे हैं कि टोटल जो वैकेंसीज होती हैं वो 1.25 लाख होती हैं। तो होता क्या है कि एक कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम के लिए बार बार टीयर 1 का एग्जाम देता है। इसमें कैंडिडेट को भी दुख होता है, क्यों? क्योंकि देखो कितने एग्जाम्स वो दे रहा है, उसको जो भी चाहिए अल्टीमेटली, और इसमें टाइम भी बड़ा वेस्ट होता है वो, और कभी कभी एग्जाम्स क्लैश भी कर जाते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आप लोगों से सजेशन मांगी है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे सजेशंस मांगी हैं। उन्होंने ये बोला है कि ध्यान से सुनिएगा कि ये जितने भी एग्जाम्स हैं, अपना एसएससी हो गया, देन रेलवे के एग्जाम्स हो गए, देन आईबीपीएस बैंक के एग्जाम्स हो गए, कि इन सब एग्जाम का जो टीयर 1 है वो इकट्ठा एक बार में कंडक्ट हो। समझ रहे हो? मतलब अब यहां पर मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स ये सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, ये सारे कैंडिडेट्स एक एग्जाम के अंदर बैठेंगे, ठीक है? एक एग्जाम, इसको हम बोलेंगे सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सारी कैंडिडेट इस एग्जाम के अंदर बैठेंगे, और यहां पर कैंडिडेट्स का जो भी स्कोर आएगा, कुछ ना कुछ वो स्कोर करेंगे, ठीक है? सिलेबस अपना यही रहेगा, इन्हीं एग्जाम्स के इर्द गिर्द ही रहेगा, ठीक है? तो सिलेबस की तरफ से आपने टेंशन नहीं लेनी, और मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा कब होगा क्या होगा। तो इस टीयर 1 के एग्जाम के अंदर जो स्कोर आएगा, ये स्कोर इन अलग अलग एजेंसीज को दे दिया जाएगा, ठीक है? मान लो आपका नाम जो है राहुल है, ठीक है? राहुल ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया टीयर 1, और राहुल का स्कोर अलग अलग एजेंसीज के अंदर चला गया। फिर ये एजेंसीज क्या करेंगी? अब देखो सिर्फ इतना ही काम था कि सारे बंदे, राहुल, मोहित, सुमित, सबने ये एग्जाम दिया है, उसमें से टॉप की कुछ मेरिट बनेगी, ठीक है? सिर्फ एक टीयर 1 हुआ। अब ये एजेंसीज, इनको पता है भाई किसके कितने मार्क्स आए हैं, अब ये अपनी तरफ से इंडिविजुअली टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट करेंगी। एसएससी का मन करेगा वो वैसा टीयर 2 लेगी, आरआरबी का मन करेगा वो वैसा टीयर 2 लेगा, आईबीपीएस का मन करेगा वो वैसा टीयर 2 लेगा, या टीयर 3 लेगा, इंटरव्यू लेगा, या फिर एसए लेटर लिखवाएगा, वो उनकी मर्जी है। तो ये जो सिर्फ स्टेज 1 है ना, इसको क्लब करने के लिए सोच रही है गवर्नमेंट। ये सारा पूल एक एक इकट्ठा यहां पर ग्रुप बन जाए, उसके बाद स्कोर इन सबको दे दिया जाए, एंड सो ऑन, आगे ऐसे प्रोसीजर होएगा। और एक और बात, ये जो एग्जाम है, ये नहीं है कि भाई जो 10th वाले एग्जाम से, जो 12th वाले एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन वाले एग्जाम है, उनका एक ही होएगा। नहीं, 10th लेवल के जितने भी एग्जाम है उनका एक 10th लेवल का सीईटी हो जाएगा,
ट्वेल्थ वालों का अलग से होएगा, और जो ग्रेजुएशन जिनकी एलिजिबिलिटी है उनका अलग से सीईटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मामला यहां पर उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो अपना स्कोर होएगा, ये स्कोर 3 ईयर्स के लिए वैलिड होएगा। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हो, है ना, स्कोर वैलिड होता है कुछ पीरियड के लिए, तो ऐसे ही यहां पर होएगा, 3 ईयर्स के लिए वैलिड होएगा। और 2 एडिशनल चांसेस दिए जाएंगे अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, नहीं तो दिक्कत क्या होगी। बंदे ने एक बार एग्जाम दिया, 3 साल बेचारा उस साल नहीं पढ़ा, तो 3 साल तक गंदे से स्कोर के साथ घूमता रहेगा, नहीं, 2 और चांसेस दिए जाएंगे स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, और जो बेस्ट स्कोर होएगा वही यहां पर मान्य होएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये सारा अपना मामला है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस चीज के बारे में आपकी जो भी राय है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो भी राय है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप उनको यहां पर मेल कर दें, डीओपीटी डिपार्टमेंट। और ये जो आप मेल करेंगे, इस मेल का सब्जेक्ट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा। इसका सब्जेक्ट होगा मेल का, अगर आप इसके बारे में अपनी राय वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 जनवरी 2020 तक आप अपनी राय वहां पर पहुंचा सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट होएगा कमेंट्स ऑन सीईटी। ठीक है, ये यहां पर मेल कर दो तो सबसे बढ़िया, यही रास्ता लगा मेरे को तो, मेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो होता नहीं है। ठीक है, देन दूसरा रास्ता क्या है भाई, इस एड्रेस के ऊपर अपनी बात पहुंचा दो, पर्सनली बोलकर पहुंचा दो या लेटर लिखकर पहुंचा दो। ये उन्होंने लिखा नहीं कि बस इस एड्रेस पर अपनी बात पहुंचा दो, ये उन्होंने लिखा है। क्लियर है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। और आपसे एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है कि ये मुश्किल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले भी तुक्के से जॉब किसी को नहीं मिल रही थी, ठीक है, मेहनत करने वालों को जॉब मिल रही थी, अब भी ये होने के बाद भी तुक्के से जॉब नहीं मिलेगी। मेरी राय में तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, अगर मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए, कि भाई बार बार अलग अलग एग्जाम्स में भटकना नहीं पड़ेगा, एक बार मेहनत करो, अच्छा स्कोर लेकर आओ, तो अलग अलग जो एजेंसीज है उनके टीयर टू देने को आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी जो भी सोच है, जो भी आपके इसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और जो भी है सोच समझ कर, ये मैं जरूर कहूंगा कि पार्टिसिपेट जरूर करो, इसके अगेंस्ट हो इसके प्रो में हो, पार्टिसिपेट जरूर करो। एक छोटी सी मेल करनी है, ठीक है, पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, ये वोटिंग जैसा ही है, जैसे वोट करते हुए भी हम बोलते हैं ना कि भाई पार्टिसिपेट जरूर करो, बस वैसी ही बात है। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा यहां पर। ठीक है, और बाकी वीडियो अगर पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इसे लाइक कर दो। आपके जो और फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भले ही SSC की, रेलवे की, बैंक PO की, उन तक ये बात पहुंचा दो। ठीक है, ये अगर आप शेयर करना चाहते हो तो है, आपका कोई इसमें हार्म नहीं है। और अपने विचार भी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, और अगर कोई हेल्प चाहते हो इवन कोचिंग सेंटर की तरफ से, तो सारी सर्विसेज इस ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, डेफिनेटली इसे डाउनलोड करिएगा, इकट्ठे मिलकर इस जर्नी को कवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए पर्सन हो, तो भाई किस चीज की वेट कर रहे हो, घर पे इन्विटेशन नहीं आएगा, नीचे लाल रंग का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।